सूत्रधार में मंगलवार को यानी कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में वजन और ऊंचाई मापने वाले 2.5 लाख में से 1.5 लाख उपकरण खराब पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 क्यों है, ये उसकी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। सरकार आंगनवाड़ियों में जनभागीदारी यानी जनता की सहभागिता चाहती है, इसके लिए सरकार ने एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी यानी अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो आंगनवाड़ी को गोद लीजिए, ये कह सकते हैं, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी योजना शुरू की थी। इसमें तय किया गया था कि जिले के प्रमुख लोग जैसे कलेक्टर, विधायक, सांसद या मंत्री अपने अपने इलाके की एक एक आंगनवाड़ी को गोद लेंगे और आंगनवाड़ी का कायाकल्प कर आम लोगों के सामने नजीर पेश करेंगे। लेकिन सरकारी अफसरों और नेताओं में ही इस योजना को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आता, ये द सूत्र की पड़ताल में खुलासा हुआ है। साथ ही पोषण मटका आहार योजना के भी बुरे हाल है। देखिए द सूत्र संवाददाता रुचि वर्मा की ये पड़ताल करती खास रिपोर्ट। ये है भोपाल का आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 783। इस आंगनबाड़ी को किसी और ने नहीं बल्कि जिले के मुखिया यानी कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गोद लिया। मगर आंगनबाड़ी के हाल क्या है, तस्वीरें इसकी हालत बयां कर रही हैं। उपकरण तो खराब पड़े ही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा और ना ही बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नजर आ रही। थोड़ी खाने की और नाश्ते की गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा जो अभी आ रहा है। पहले अच्छा आता था और अभी तो बच्चे नहीं खाते हैं। आंगनवाड़ी में ये होना चाहिए कि जैसे कुर्सी वगैरह है या बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी टेबल होना चाहिए, और जब मीटिंग होती है यहाँ पर तो दरी वगैरह होना चाहिए। दरी वगैरह की ज़रूरत है क्योंकि पूरी 24 कार्यकर्ता यहाँ आती हैं पूरे कोलाज सेक्टर की, तो यहीं पे मीटिंग होती है। जो भी कुछ कार्यक्रम होता तो यहीं होता, तो उनको बैठने के लिए दरी वगैरह होना चाहिए यहाँ पे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जब द सूत्र की टीम ने पूछा कि कलेक्टर साहब ने यहाँ कभी दौरा किया है, तो कैमरे के सामने कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा। लेकिन द सूत्र की पड़ताल में खुलासा हुआ कि कलेक्टर ने पिछले 6 महीने में आंगनबाड़ी में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ही नहीं लिया। यदि जायजा लेते तो शायद कलेक्टर को पता चलता कि आंगनबाड़ी की हालत क्या है। हाँ, यहाँ पे पुताई वगैरह की पुताई की भी ज़रूरत है, और कुछ आंगनवाड़ी क्षतिग्रस्त हो रही है, जैसे गेट है, जाली है, ये भी टूट फूट हो रही है, तो इसको भी ठीक करवाने की ज़रूरत है। ये तो हुई कलेक्टर साहब की आंगनवाड़ी की बात। द सूत्र ने 2 और आंगनवाड़ियों का दौरा किया। एक आंगनवाड़ी केंद्र 767 में जब टीम पहुंची तो पीने के पानी की समस्या नजर आई। पानी बेहद दूर से लाना पड़ता है। इस आंगनवाड़ी को एनजीओ चलाने वाले शिवराज कुशवाहा ने गोद लिया। यहाँ की कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने आंगनबाड़ी गोद तो ली मगर उनकी तरफ से कोई मदद मिली हो ऐसा नजर नहीं आया। आते मैडम, यहाँ तो पानी का कनेक्शन नहीं है, दूर से भर कर लाते हैं। कोई नहीं करता, हम ही अपने जेब से ही देते रहते हैं। अच्छा। जो कुछ देना होता है, जो कुछ खर्च करना होता है अपने पास ही करते हैं हम। अच्छा। पब्लिक से कुछ सहयोग नहीं है। शिवराज कुशवाहा है उसका नाम, कुशवाहा। लेकिन गो जरूर लिया है, नाम से गोद है, होता कुछ नहीं है यहाँ पे। अब बाढ़ गंगा के आंगनबाड़ी केंद्र 730 में जब टीम पहुंची तो टीम की छत टूटी पर सब कुछ देखने को मिला। बच्चों को दूध नहीं मिलता और कब मिलेगा ये कार्यकर्ताओं को पता नहीं। हाँ, दूध वगैरह आता था बीच में, अभी तो नहीं आ रहा है मैडम दूध, पर हो सकता है, संभावना है आने की। भोपाल के अलावा जबलपुर में भी द सूत्र की टीम ने जायजा लिया। जब आंगनबाड़ी केंद्र 75 में द सूत्र की टीम पहुंची तो इस आंगनबाड़ी को संचालित करने वाली कार्यकर्ताओं ने शिकायतों का पिटारा खोला। जो हम लोग को जरूरतें चाहिए हैं, जैसे कि हो गया दरी वगैरह, क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी में कई कार्यक्रम करने पड़ते हैं, तो जिसमें महिलाएं, बच्चे और अधिकारी वगैरह हैं उनके लिए चेयर वगैरह की भी रहते हैं, तो महिलाओं को बैठाने के लिए दरी वगैरह चाहिए रहती हैं, और ये है कि बच्चों को खाने वगैरह के बर्तन चाहिए हैं, तो ये चीज़ मिले तो थोड़ा सा अच्छा है कि व्यवस्थित हो जाए आंगनबाड़ी। यहाँ जो फ्लोर है आंगनबाड़ी का तो वो काफ़ी टूटा फूटा है, सीलिंग है वो भी टूटी फूटी है, और बारिश के समय हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि पूरा भर जाता है यहाँ पानी। थोड़ा सा यहाँ सुधार हो जाए तो हम लोग के लिए अच्छा है कि
तो हम क्या हितग्राहियों को भी अच्छी सुविधा दे पाएंगे। जबलपुर के आंगनवाड़ी केंद्र 80 के भी यही हाल है। इसे एक एनजीओ ने गोद लिया, मगर कार्यकर्ताओं के मुताबिक केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। परिवर्तन तो सर कुछ नहीं आया है, परिवर्तन उनको देने के बाद, उनको गोद लेने के बाद से भी कोई परिवर्तन नहीं आया। बस उन्होंने एक बार ही जो दिया, उसके बाद उन्होंने आके पूछा भी नहीं कि आप ये बच्चों को खिलौने दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और आप लोग किस तरह से आप अपना आंगनवाड़ी मैनेज कर रहे हो, उनका कोई वो मैंने रिस्पॉन्स नहीं था। जितना भी है तो हम ही लोग सब अपना कर रहे हैं सर, इस टाइप से हम लोग की आंगनवाड़ी चल रही है। एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो लोग भी आंगनवाड़ियों को गोद लेंगे वो एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिससे दूसरे लोग प्रेरित हो सकते। अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी योजना 3 कैटेगरीज में बनाई गई थी। पहली कैटेगरी इन आंगनवाड़ियों की बिल्डिंगों में सुधार, दूसरा वहाँ के बच्चों की निजी जरूरतें जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके खिलौने, तीसरा पोषण आहार से संबंधित काम गोद लेने वाले अपने हाथ में ले सकते थे। मगर इन गोद ली गई आंगनवाड़ियों में इन किसी भी पैरामीटर्स पे काम हुआ हो ऐसा नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश में कुल 97,135 आंगनवाड़ियां हैं और सरकार का दावा है कि 94,834 आंगनवाड़ियों को गोद लिया जा चुका है, मगर इनके हाल देख के तो लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है, क्योंकि इन आंगनवाड़ियों में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। तो देखा आपने, ये हाल है एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी स्कीम की। सरकार ने जन भागीदारी से एक और कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है पोषण मटका। अब इसके भी हालात देख लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के एक कोने में रखे इस मटके को देख रहे हैं आप। दरअसल यही है मध्य प्रदेश सरकार का पोषण मटका। प्रदेश के हर आंगनवाड़ी में एक पोषण मटका कॉर्नर बनाया गया है, यानी आंगनवाड़ी के किसी कोने में रंग रोगन कर एक छोटा सा मटका रख दिया जाता है जिसमें लोग बच्चों के लिए पोषण सामग्री डालते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है पोषण मटका कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम कितना कामयाब है इसकी सच्चाई सुनिए भोपाल की ही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। जब पढ़ती है ना, कहते हैं ना हम अपने घर में कोई कार्यक्रम है तो अपन कैसे 2 दिन में तैयारी करते हैं। रात को फोन आएगा, सोने जा रहे हैं 11 बजे, कल तुम्हारी मैं बिजी हूँ और तुम्हें इतने बजे 8 बजे आना ही आना है और पूरा ये करना है वो करना है, वो बाल भोज करवाना है ये करवाना है, तो उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब घर रह के हम किसको बोलेंगे कि भाई तुम बना के ले आना या तुम बना के ले आना। तो ये है मैडम कि हम लोगों के ऊपर के वो सब मजे में है। सुना आपने, ये है पोषण मटका योजना की हकीकत। सरकार को दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, अधिकारी इस योजना को जबरन चलाए हुए हैं, जबकि वास्तव में योजना पूरी तरह से फेल है। और तो और, जब ये पहले शुरू की गई थी तब भी नाकाम ही थी और दोबारा भी नाकाम हो गई। पहली बार इसकी शुरुआत 6 साल पहले की गई थी, लेकिन जब ये नाकाम हो गई तो 2020 में नए सिरे से इसे शुरू किया गया, मगर ढाक के 3-5 जैसा ही मामला है। जबकि पोषण कार्यक्रम के लिए सरकार के पास 111 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, लेकिन इस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मजबूरन सरकार को ऐसे प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं और जनता से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर 10 सूत्र ने विभाग के अधिकारियों से जानना चाहा कि जन भागीदारी के ये प्रोग्राम फेल क्यों है। सबसे पहले बात की परियोजना अधिकारी शुभा श्रीवास्तव से। शुभा श्रीवास्तव ने कहा डीपीओ सोलंकी से बात करें। डीपीओ सोलंकी से बात करने की कोशिश की तो सोलंकी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद द सूत्र ने संपर्क किया महिला और बाल विकास की ज्वाइंट डायरेक्टर तृप्ति त्रिपाठी से। तृप्ति त्रिपाठी ने कहा कि पीआरओ से मिली है। पीआरओ से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि सवाल बता दीजिए, अभी अधिकारी मीटिंग में व्यस्त है। 3 दिन बाद फिर पीआरओ से संपर्क किया तो डायरेक्टर राम भोसले का मैसेज पीआरओ के जरिए मिला कि प्रमुख सचिव अशोक शाह से बात कीजिए। हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों पे ये ऐसे फिट बैठता है कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स, मगर ये अधिकारी मीटिंग्स करते किस बात की हैं जब जमीन पर कोई खास बदलाव है नहीं। हमने इन अधिकारियों से एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा था कि क्या ये स्कीम्स केवल औपचारिकता बन के रह गई है, इनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, मगर इन अधिकारियों ने इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि योजनाएं कागजों पर तो काफी अच्छी हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। द सूत्र के लिए रुचि वर्मा कैमरा पर्सन सईद के साथ।
और इसी खबर से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि मध्य प्रदेश सरकार की जनभागीदारी से चलने वाली योजनाएं नाकाम क्यों है। आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है जनता को पता ही नहीं है, दूसरा विकल्प है अधिकारी गंभीर नहीं है, और तीसरा विकल्प है सरकार की कोई पहल नहीं। ये सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और एक दिन द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।